नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टी सेकंडमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर फर्स्ट न्यू चैप्टर ऑफ योर बुक दैट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय द लेटर क्यू। नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ टू बाई थ्री बाई टू वेयर P and Q are integers and Q not equal to zero। यानी नंबर जो P by Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यहाँ पर कि Q जो है कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। नोट है इसमें स्पेशली ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। ये सभी जो है, जो नेचुरल नंबर है टोटल और होल नंबर्स है टोटल और जो इंटीजर्स है टोटल, वो सभी जो है रेशनल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि बिकॉज वी कैन राइट दीज ऑल इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। सबको, हम सारे नेचुरल नंबर को, सारे होल नंबर को, सारे इंटीजर्स को हम 0 by 1, 1 by 1, 3 by 1, -1 by -8 by 1 और +8 by 1, मतलब बाई वन करके हम किसी भी हम अंक को लिख सकते हैं, तो ही डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो ऑलरेडी वो रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये हमारे सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर्स जो है हमारे रेशनल नंबर होंगे। तो इसमें अब हम पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको कहेंगे? इसमें दो चीज होता है, एक डिनोमिनेटर होता है और एक जो है न्यूमरेटर होता है। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों जो है अगर एक ही साइन के हैं, जैसे प्लस साइन है या माइनस साइन है, अगर दोनों का साइन एक हो तो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। अगर निगेटिव रेशनल नंबर के लिए दोनों का साइन एक दूसरे का अपोजिट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मस्ट हैव अपोजिट साइन टू ईच अदर, एक दूसरे से अपोजिट होना चाहिए, यानी ये प्लस है ये माइनस होना चाहिए या ये माइनस है ये प्लस होना चाहिए, तो इसको हम निगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। रेशनल नंबर को हम देखेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के लिए अगर पी बाई क्यू कोई भी रेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू में किसी एक नेचुरल नंबर से, किसी भी सेम नेचुरल नंबर से गुणा करेंगे तो हमको इक्विवेलेंट मिल जाएगा। अगर मान लो कि 2/3 जो है पी बाई क्यू का फॉर्म 2/3 है, तो 2 में n की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 1-1 से गुणा करेंगे तो 2/3 आएगा, और n का मान 1 रखेंगे। उसी तरह n का मान 2 रखेंगे तो ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, यानी 2/3 में 2 से गुणा करेंगे तो 4/6 आएगा। इसी तरह मतलब n का मान 1, n का मान 2, n का मान 3 हमेशा ऊपर नीचे एक ही जैसा रखेंगे तो हमको इक्विवेलेंट मान मिलते जाएंगे। यानी 2/3 ये है, उसके बाद 4/6 मिलेगा, उसके बाद 6/9 मिलेगा, ये सारे इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट इसलिए हो गए, अधिकतर देखो अगर ये इसको इक्विवेलेंट इसलिए मानेंगे कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे तो 2/3 हो जाएगा कट करके, ये भी हो जाएगा कट करके 2/3, ये भी कट कर हो सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे तो हमारा ये इक्विवेलेंट माना जाएगा। कौन? तो 2/3 बराबर 4/6 बराबर 6/9, ये जो है हमारे इक्विवेलेंट माने जाएंगे क्योंकि उसका मान हमेशा इक्विवेलेंट आएगा, इसलिए इक्विवेलेंट कहा गया है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म को जानने के लिए लोएस्ट टर्म जो है, मैंने कोई भी फ्रैक्शन को, कोई भी हम रेशनल नंबर को लोएस्ट फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म का मतलब और डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों जो है अब एकदम जो है एक दूसरे का कोई कॉमन फैक्टर ना हो, कॉमन फैक्टर ना मिले तो केवल एक ही उसका कॉमन फैक्टर हो तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म मानेंगे। 2 और 3 एकदम अलग है, ये कटने लायक नहीं है। 3 और 7 ये कभी भी कटने लायक नहीं है, इसका भी, इन दोनों का भी कॉमन फैक्टर 1 होगा, इसका दोनों भी कॉमन फैक्टर 1 होगा, इसका भी दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होगा, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम रेशनल नंबर को तभी लिखते हैं जब उसका कॉमन फैक्टर 1 से अधिक ना हो। और इसके कंपैरिजन के बारे में जानेंगे, जो हम अगर दो हमको रेशनल नंबर मिल गए तो उसका कंपैरिजन किस प्रकार से करेंगे, तुलना करेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसे यही कंपैरिजन करते हैं। तो बड़ा है छोटा है या इक्वल है, तो हम अगर दो a/c और b/d दो हमने फ्रैक्शन ले लिया तो ये
ये ए बाई सी और बी बाई डी से बड़ा तब होगा, इफ एंड ओनली इफ, तभी बड़ा होगा जब ए डी इज ग्रेटर देन बी सी, यानी जो क्रॉस ये क्रॉस होगा इसका और ये क्रॉस होगा इसका, मैंने ए डी का गुणा जो है बी सी से करेंगे, ए डी का गुणा किए और बी सी का गुणा किए, अगर ए डी का गुणा बी सी के गुणा से बड़ा है, ए डी का गुणा बी सी के गुणे से बड़ा है तब ये बड़ा हो जाएगा इससे, उसी तरह अगर ए डी का गुणा बी सी के गुणा से छोटा है तो ये छोटा हो जाएगा, उसी तरह अगर ए डी का गुणा बी सी के गुणा से बराबर है तो ये दोनों जो है बराबर हो जाएंगे। उदाहरण के लिए 2/3 बड़ा है 1/3 से, तो 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, यानी 6 बड़ा है 3 से तो ये फ्रैक्शन जो है 2/3 बड़ा होगा 1/3 से। उसी तरीके से अगर एक गुणे तीन है और 2 गुणे 2 है तो 3 छोटा हो गया 4 से, तो ये छोटा हो गया 2/3 से, और 1 गुणे 4 = 2 गुणे 2 है तो अगर 4 = 4 हो गया तो 1/2 = 2/4 हो गया। ये कंडीशंस हैं बड़े छोटे और इक्वल होने के लिए। फंक्शन ऑफ द रेशनल नंबर, एडिशन में इसके प्रॉपर्टी में एडिशन जो ऑपरेशन है ऑडिशन का, उसमें हम देखेंगे, पहले एडिटिव इनवर्स को समझेंगे। एडिटिव इनवर्स और निगेटिव दोनों एक ही चीज़ है, तो ए बाई बी इज ए निगेटिव ऑफ माइनस ए बाई बी, ए बाई बी को हम माइनस ए बाई बी का निगेटिव भी कह सकते हैं या माइनस ए बाई बी का हम एडिटिव इनवर्स भी कह सकते हैं। ए बाई बी निगेटिव भी कहलाएगा, यानी निगेटिव और एडिटिव इनवर्स दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों एक ही चीज़ है। उसी तरीके का माइनस ए बाई बी जो है ए बी का निगेटिव भी कहलाएगा या एडिटिव इनवर्स भी कहेगा ए बाई बी का माइनस ए बाई बी, यानी माइनस ए बाई बी ए बी का, इसका एक टेस्ट का नियम है कि अगर ए बाई बी में अगर माइनस उसका इसको अगर साथ जोड़ेंगे अगर 0 आ जाए तो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे, यानी ए बाई बी माइनस ए बाई बी का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा या माइनस ए बाई बी का एडिटिव इनवर्स कहेगा। टेस्ट करने का नियम केवल एक ही है कि अगर दोनों को किसी भी ऑर्डर में जोड़े, ये दोनों का जोड़ने पर अगर 0 आता है तो एक दूसरे का वो एडिटिव इनवर्स ही कहलाता है। तो इसके और भी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर दो फ्रैक्शन जो रेशनल नंबर है और उनको जोड़ने पर ही रेशनल नंबर प्राप्त हो जाए तो उस प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, क्लोज हो जाते हैं। यानी 1/2 अगर ये है 1/3 में जोड़े तो 5/6 ये रेशनल नंबर ही आएगा, ये प्रॉपर्टी हो जहाँ भी होगी उसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, ए बाई बी और सी बाई डी दो अगर आपके रेशनल नंबर हैं तो अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, यानी सी बाई डी को पहले कर दो और ए बाई बी को बाद में कर दो तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा, तो इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी 1/3 और 1/2 जोड़ेंगे और 1/2 और 1/3 ऑर्डर चेंज करके तो 5/6 ही आएगा, यानी जो है ये एडिशन में रेशनल नंबर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। उसी तरीके के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ए बाई बी धन सी बाई डी है और प्लस ई बाई ई, ये दोनों का हमने ग्रुप कर दिया इसके साथ, तो अगर हम इसको अलग करके इन दोनों को ग्रुप कर दें तो उनके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। इसको कहते हैं इट कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में ग्रुप करके हम उसको जोड़ सकते हैं, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इस तरह के रेशनल नंबर में ये एडिशन के मामले में आपको क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है मुख्य रूप से लागू होता है। इसी के आधार पर अब कल हम आपको कुछ क्वेश्चन और कुछ और भी प्रॉपर्टी बता करके सारे क्वेश्चन कल हल कराएंगे। आज यही स्टॉप करते हैं। नंबर मेरा नंबर है जिसके द्वारा आप हमसे बात कर सकते हैं अगर कोई परेशानी होगी तो, किसी भी डिफिकल्टी को क्लियर करने के लिए आप इस नंबर से हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।